बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ। बिजनौर यातायात पुलिस द्वारा चार स्कूली बच्चों को रिक्शा में बैठाकर स्कूल छोड़ने का नियम बनाने के बाद रिक्शा चालकों में भारी रोष पैदा हो गया है। रिक्शा चालकों द्वारा इस नियम को लेकर शनिवार से ही विरोध शुरू करते हुए स्कूली बच्चों को स्कूल नहीं लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर अभिभावकों में बच्चों को स्कूल भेजने की एक बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। कई बच्चे रिक्शा चालकों द्वारा स्कूल न ले जाने से अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। रिक्शा यूनियन पर एक आपातकाल बैठक का आयोजन करते हुए निर्णय लिया गया है। 18 जुलाई सुबह 6 बजे से 19 जुलाई सुबह 6 बजे तक रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल को लेकर आम जनता के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो चली है। यदि समय रहते प्रशासन द्वारा रिक्शा चालकों की मांगों की अनदेखी की गई तो इस आंदोलन को पूरे जिला स्तर पर चलाने की बात की गई है। बिजनौर रिक्शा चालक एसोसिएशन के कार्यालय पर रिक्शा चालकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। शमशाद अंसारी की अध्यक्षता वह नीरज चौधरी के संचालन में संपन्न हुई बैठक में कहा गया, यातायात पुलिस द्वारा चार बच्चों के तुगलकी फरमान के विरोध में 18 जुलाई को समस्त रिक्शा चालकों की पूरी तरह से हड़ताल रहेगी, जो 18 जुलाई सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 19 जुलाई सुबह 6 बजे तक रिक्शा चालकों की हड़ताल रहेगी। कोई भी रिक्शा चालक हड़ताल के दिन रिक्शा नहीं चलाएगा। यूनियन ने यातायात अधिकारी के तुगलकी फरमान पर रोक लगने की मांग प्रशासन से की है। साथ ही शहर की सड़कों के गड्ढे भरवाने व रिक्शा चालकों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग भी प्रशासन से की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि प्रशासन 18 जुलाई की हड़ताल के बाद भी कोई सुनवाई रिक्शा चालकों की नहीं करता तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है, जो पूरे जिला स्तर पर चलेगी। रिक्शा चालकों की हड़ताल से जहां स्कूली बच्चे परेशानियों का सामना करेंगे, वहीं रिक्शा से सफर करने वाले लोगों के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समय रहते प्रशासन को रिक्शा चालकों से वार्ता कर इस बड़ी समस्या का समाधान निकलवाना चाहिए, जिससे नगर वासियों को राहत की सांस मिल सके। रिक्शा चालक एसोसिएशन ने तमाम लोगों का सामान लाकर ले लिया है, अखबार के दफ्तरों में जमा कराया है, यूनियन के दफ्तर में जमा कराया है। रिक्शा चालक एसोसिएशन के लोग गलत नहीं होते। कई रिक्शा वाले मेरे भाई मुझसे नाराज भी होते थे, वो कहते थे कि ये काम गलत है, लेकिन मैं कानून का सम्मान करते हुए उस काम को करने का काम करता हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये एक रिक्शा चालक जो बामुश्किल इस गर्मी में तेज धूप में अपनी जीविका चला रहा है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे वो रिक्शा का किराया देता है, पता नहीं कैसे कैसे वो अपनी रिक्शा चलाता है। एक बात का साधन अगर कोई है तो स्कूली बच्चे हैं, जो उसकी आजीविका को, उसकी रोजगार को चलाने का काम करते हैं। वरना मैं चाहता हूँ अगर रिक्शा के अंदर एक सवारी बैठ जाए तो दूसरी सवारी उस पर बैठना पसंद नहीं करती, वो रिक्शा वाले को दूसरे को हाथ देकर सिंगल बैठना पसंद। वो बताइए क्या 10 रुपए में या 20 रुपए में मेरे रिक्शा चालक के परिवार का पेट भर सकता है? क्या बताइए मेरा रिक्शा चालक इस भरी गर्मी में धूप में रहकर रिक्शा चला सकता है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ और ये चेताना भी चाहता हूँ कि इस रिक्शा चालक एसोसिएशन की लड़ाई में मैं पूरी तरीके से तन मन धन से आपके साथ हूँ। मेरी यूनियन, मेरे पदाधिकारी नीरज चौधरी जैसे, नारायण खेड़ा जैसे, हम आपके साथ हर वक्त है। अगर कोई लाठी लगेगी तो सबसे पहले हमारा सीना होगा, आप लोगों की ढाल बनकर हम काम को करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि हम ये लड़ाई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बड़े शर्म और बड़े अफसोस की बात है कि लगभग आज तीसरा दिन हो गया है, किसी शासन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है, कोई पीस का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई है। इसलिए हमने मजबूर होकर, हम नहीं चाहते कि वो हड़ताल हो, हम नहीं चाहते हमारी जनता को कोई परेशानी हो, लेकिन उनके हर धर्मी रवैये को देखते हुए कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे अगली सुबह 6 बजे तक, 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक पूर्ण तरह हम हड़ताल पर रहेंगे।